आपने कभी ना कभी गुब्बारे में हवा तो जरूर भरी होगी, और इतना ही नहीं, आपने इस गुब्बारे में कभी ना कभी पानी भी जरूर भरा होगा। लेकिन क्या कभी आपने इस गुब्बारे में पानी भरने के बाद में इसको फ्रीजर में रख के देखा है किसका क्या होता है? अगर नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, रोल द इंट्रो। तो छोटे मोटे काम तो बच्चे करते हैं, और हम लोग कोई बच्चे तो है नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस गुब्बारे में पहले पानी भरेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसको फ्रीजर में रख के, और वेट करेंगे अगले दिन का, और देखेंगे कि इसका क्या होगा, ये फूटेगा या बचेगा, या फिर इसके अंदर कुछ बर्फ जमेगी, या फिर क्या भी होगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गुब्बारे हैं, और उनमें से कोई एक गुब्बारा लेंगे और उसमें पानी भरेंगे, उसके बाद उसको देखते हैं फ्रीजर में रख के। तो चलिए पहले इस गुब्बारे में पानी भरते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ये प्रिस्नल में इस गुब्बारे को लगा करके पहले इसमें पानी भर लेते हैं। तो आइए पानी भरते हैं। तो इसमें लगा दिया मैंने, अब इस नल को स्टार्ट करते हैं, और इसमें पानी भरना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे इसमें पानी भरता जाएगा, वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। इससे पहले कि ये निकल के गिर जाए, मैं इसको नीचे से पकड़ लेता हूँ। और अभी इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, इससे पहले कि ये फूटे तो मैं इस नल को बंद करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा वेटेड हो गया है, तो मैं इस नल को मैंने बंद कर दिया है ताकि ये फूट ना जाए। इसमें फिलहाल अभी पानी भर चुका है। इसमें पहले गांठ लगा देते हैं। इसमें गांठ लगाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि काफ़ी वेटेड हो गया है ये, लेकिन गांठ तो लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसमें अब गांठ लग चुकी है, और पूरी तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है, काफ़ी ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा वेटेड भी है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं अपने कमरे में, जहाँ पर हमारी फ्रिज रखी हुई है, और उस फ्रिज के फ्रीजर में इसको रखेंगे और एक दिन का वेट करेंगे। तो आइए मेरे साथ। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, और अब इस गुब्बारे को जिसके अंदर पानी भरा हुआ है इसको अब फ्रीजर में रखेंगे। तो आइए मेरे साथ, आइए। तो ये है हमारी फ्रिज, जिस फ्रिज के अंदर ये गुब्बारा रखा जाएगा। तो पहले सबसे जरूरी है सेफ्टी, क्योंकि ये गुब्बारा हो सकता है रात भर में फट भी जाए, ठीक है? तो फटेगा तो फ्रिज के अंदर पानी ही पानी हो जाएगा, तो सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। तो सेफ्टी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिस बाउल में इसको पहले हम लोग रखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग फ्रीजर में रखेंगे। तो आइए, काफी ज्यादा वेटेड है ये। तो अभी फिलहाल इस बाउल में हमने इसको रख लिया है। तो फिलहाल अभी ये बाउल पूरी तरीके से रेडी है इसके अंदर रखने के लिए। तो चलिए अब इसको अंदर रख करके देखते हैं और वेट करते हैं सुबह तक का किसका क्या होता है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो ये मैंने इसको फ्रीजर के अंदर रख दिया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको अब देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरीके से फ्रीजर के अंदर रख दिया है, और अब कल तक का हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। और अभी इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको पूरा फुल उसमें लगा देते हैं। तो अभी फिलहाल हमने इस बाउल में इस गुब्बारे को जिसके अंदर पानी भरा हुआ है इसको इसके अंदर हमने रख दिया है, और अब हम लोग वेट करेंगे कल तक का। तो इस फ्रिज को अभी फिलहाल हम लोग बंद करते हैं। The next day. तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, और अब हम खोलते हैं अपने फ्रिज को और देखते हैं कि इस गुब्बारे का क्या हुआ है। तो चलिए अब इस गुब्बारे को हम लोग उठाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हुआ है। फिलहाल ये बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा वेटेड है ये। एक मिनट, मैं इसको ऐसे रखता हूँ और इस फ्रिज को बंद करता हूँ। तो चलिए अब इसको लेकर के बाहर चलते हैं और देखते हैं किसका क्या हुआ है। तो ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको देखने के लिए कि इसका क्या हुआ होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या लगता है इसका क्या हुआ होगा।
क्या इसके अंदर बर्फ जमी होगी या फिर ये, चलो खैर एक चीज तो है, कम से कम ये फूटा नहीं, सेफ है पूरी तरीके से। तो पहले इसको थोड़ा सा दबा के देखते हैं। ओ माय गॉड, तो पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है। इसको पहले बाहर निकालते हैं, एक मिनट, पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है ये। ओ माय गॉड, ये देखिए क्या इसमें बिल्कुल, चूँकि नीचे ये बिल्कुल इसके ऊपर रख गया था, ये बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से ये कैसे बदल चुका है, बिल्कुल उसका शेप दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेड है। तो अभी हो सकता है आपको ये बैलून ही लग रहा हो, लेकिन मैं इसको एक चाकू से तोड़ कर देखता हूँ कि क्या होता है। वो देख सकते हो, ओह माय गॉड, ये तो फट गया। ओह माय गॉड, रखने से पहले देख सकते हैं, देख सकते हैं। अरे माय गॉड, अरे बाप रे, इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। अरे ददा रे ददा रे ददा रे, माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक। देख सकते हैं किस तरीके से इससे पानी निकला है अंदर से, और पूरा पानी वहाँ तक बहते हुए गया है। और ये है उसकी लेयर, जिस लेयर में, यानी कि ये बैलून की लेयर है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं, जान ही नहीं बची। देखिए कितना छोटा सा हो गया है। ये जो है हाथ में उठ नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेड भी है, और ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, एक छेद जैसे बिल्कुल है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसको, ओ माय गॉड, अभी ये हमारे हाथ पे आ चुका है। और अब इसको हम नीचे की ओर गिराएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे वीडियोस आप हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।